मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्लोव, क्लोव बर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोगों को आज देखना है। क्लोव बर्ड आपको पता है, हिंदी में उसको लॉन्ग कहते हैं, ठीक है, या मराठी में लवंग ऐसा भी कहते हैं। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है, इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ये हमको स्टडी करना रहता है प्रैक्टिकल पर्पज के हिसाब से। तो देखते हैं, आपके सामने देखो मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम दिख रही है क्लोव की, और ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अलग से ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है जिसमें आपको स्टोमाटा बाहर की लेयर को क्यूटिकल, एपिडर्मिस बाहर की, उसके क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस जो ब्राउन कलर का रहता है उसको क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस, वहां पे ऑयल ग्लैंड्स, क्योंकि ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है तो इसमें ऑयल ग्लैंड्स रहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स रहेंगे, वैस्कुलर बंडल रहेंगे, और अंदर में एरेनकाइमा रहने वाला है और कॉलोमेला। इस तरीके से जब हम क्लोव का टीएस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पढ़ते हैं तो हमको ये सेल्स वहां पर दिखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा डेंटल एनालिसिक है, ठीक है। और दीज आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजिनिया क्रायोफाइलस फैमिली, इसकी मिट्टी ऐसी है, वोलेटाइल ऑयल है, तो कौन सा वोलेटाइल ऑयल है, यूजिनॉल नाम का वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये हम लोग अभी आपको डेमोंस्ट्रेशन प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले हैं कि क्लोव बर्ड का टीएस कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं आज हम लोग कि क्लोव बर्ड का टीएस कैसे निकालते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर ये क्लोव है, ये दिख रही है क्लोव, मैंने इसको रात मतलब एक दिन पहले ही सोक करके रख दिया था, तो ये इस तरीके से स्वेल हो गई है। अब इसका हमको टीएस निकालना है। जब कभी भी हम टीएस निकालते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे आपको जो ड्रग है वो लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ना है, और जो ब्लेड है ब्लेड एकदम शार्प होनी चाहिए, वो आपको हमेशा राइट हैंड साइड में पकड़नी है ब्लेड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ड्रग। पकड़ने का तरीका ध्यान से देख लीजिए, ये तीन फिंगर्स के सहायता से आपको ड्रग को पकड़ना है और आपको इस तरीके से सेक्शन लेना स्टार्ट करना है। मैं इसके पहले भी आपको डेमोंस्ट्रेशन सेक्शन कटिंग बता चुकी हूँ, बस वही सेम टेक्निक हमको निकालते जाना। देखो इस तरीके से सेक्शन निकल रहे हैं, हमको इस तरीके से हमारी प्रोसीजर को दोहराते रहना है, और जो एकदम थिन वाला सेक्शन निकलेगा उसको हमको फाइनल करना है, स्लाइड पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेक्शन कट कर रहे हैं, देखिए, तो ये सेक्शन को मैं काट कर इस तरीके से कर रही हूँ। ये सेक्शन इस तरीके से मैंने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं, और इसमें से मैं कोई भी एक सेक्शन फाइनलाइज करने वाली हूँ जो मेरे को थिन लगेगा, ठीक है। थिन के साथ साथ याद रखना है सेक्शन आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब कि चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, और चारों तरफ से उसकी थिकनेस जो है वो एक जैसी होगी। मैंने ये सेक्शन यहाँ से फाइनल किया हुआ है, ये हो गया, मेरी एक स्लाइड है, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। ये सेक्शन इस तरीके से स्लाइड के ऊपर ले लिया है, और उसके बाद अगली स्टेप मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट स्टेप में इसमें एक ड्रॉप इसमें एससीएल ऐड करती हूँ। मैंने आपको बताया था एससीएल का रोल क्या है, क्लियर करता है वो हमारे सेक्शन को, और एससीएल मैंने ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फ्लोरोगिस्नॉल है, उसको अभी एक ड्रॉप पे ले लूंगी। ये बहुत ही अच्छा क्या है, मैंने बताया था ये बहुत ही अच्छा स्टेनिंग एजेंट है, हमारे क्लोव में जो भी लिग्निन कंटेनिंग सेल्स है उसके साथ में ये बहुत अच्छा स्टेनिंग करता है, बहुत अच्छे से स्टेन हो जाता है, ठीक है। हमने स्लाइड के ऊपर ही सब कुछ कर लिया है यहाँ पर, और इससे क्या होता है रिएजेंट ज़्यादा वेस्ट नहीं होते हैं, और जो हमारा एक्सेस ऑफ जो एसिड और फ्लोरोगिस्नॉल है उसको मैं यहाँ पर ड्रेन ऑफ कर दूंगी। आप भी इसी तरीके से करेंगे। अगले स्टेप में मैं यहाँ पर ब्रश की सहायता से ग्लिसरीन लेने वाली हूँ। आपको ग्लिसरीन का रोल भी मैं बता चुकी हूँ, ग्लिसरीन का रोल क्या है आपको इसके पहले समझा चुकी हूँ मैं। ग्लिसरीन जो है ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ठीक है, हमारे सेक्शन को ड्राई होने से बचाता है। अब ये मैंने ग्लिसरीन ले लिया है, अब मैं इसमें इसको फोकस करके बताऊंगी। ये कवर स्लिप है, कवर स्लिप लगाने का पर्पस ये है कि जब कभी भी आप कवर स्लिप लगाएंगे तो आपका जो माइक्रोस्कोप का लेंस है वो डर्टी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एससीएल भी था, फ्लोरोग्लिसनॉल भी था, वो खराब कर सकता है उसको। तो इस तरीके से मैंने धीरे से कवर स्लिप रख दी है, आप देख सकते हैं एक भी एयर बबल आया नहीं। इस तरीके से आपको उसको फोकस करना है, ठीक है। एक कपड़ा से एक्स्ट्रा वाला जो भी ग्लिसरीन है या जो भी आपसे गिर गया था वो आपको उससे वाइप ऑफ कर लेना है। आपकी स्लाइड जितनी अच्छी क्लीन और साफ सुथरी रहेगी उतना आपको देखने में आसानी। ये मेरी स्लाइड जो है वो तैयार हो गई है, अब मैं इसको यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करूंगी, यहाँ से लेंस एडजस्ट करके उसको ऑब्जर्व करूंगी। तो ये हम लोगों ने आज क्या देख लिया, क्लोव का सेक्शन कैसे निकालते हैं और उसका फोकसिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।